हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बची हुई रोटी से एक टेस्टी नाश्ता, और जो बहुत ही इजीली बहुत कम तेल में है और घर में रखे हुए सामान से ही बन जाएगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। बची हुई रोटी का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ हमने कुछ बची हुई रोटी ले ली है, आप फ्रेश रोटी भी ले सकते हैं। अभी हम तवे को गर्म कर लेते हैं और इन बची हुई रोटियों पे हल्का हल्का हम घी लगा देंगे और गरम तवे पे रख देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से घी लगा के इसे हल्का सा सेक लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है हमें इसे, दोनों तरफ से हल्का सेक लेना है ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए। अभी हमारी ये रोटी अच्छे से दोनों तरफ से सिक गई है, तो इसे हम एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी रोटी भी इसी तरह से घी लगा के और सेक लेंगे। तो अभी हमने सारी रोटियों को अच्छे से घी लगा के दोनों तरफ से सेक लिया है, ये देखिए। अभी इन्हें हम एक तरफ रख के और अगले प्रोसेस की तरफ। तो हमारे अगले प्रोसेस में हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसे हमने ऐसे ग्रेट करके ले लिया है, और उसके बाद अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, एक छोटी चम्मच यहाँ नमक ले लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। यहाँ हमने जीरा ले लिया है थोड़ा, एक पिंच हमने यहाँ हींग ले ली है, वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ हमने एक छोटा प्याज बारीक काट के ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। एक छोटी चम्मच हरी मिर्च और अदरक हमने काट करके बारीक ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा धनिया पत्ती हम बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे। थोड़ा खट्टापन लाने के लिए हम इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे थोड़ा। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये हमारा आलू का मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी हम चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस की तरफ, और आपको यदि मसाले इसमें अपनी पसंद के अनुसार डालने हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए इसमें, मिर्ची और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे एक कप बेसन। अभी इसमें हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं हम इसमें, थोड़ी अजवाइन डालेंगे आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे इसमें, और एक पिंच हींग डालेंगे आधी छोटी चम्मच, हम नमक डाल देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ती हम इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं हम एक बार। और अभी हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हुए और अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। हमने बैटर बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है। आपका घोल ना गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपको पता लगेगा आपको किस तरह से बनाना है, और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें बची हुई रोटी काम में ली है। तो अभी हम इस बैटर को एक तरफ रखते हुए हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ जो हमने रोटी घी में सेक के रखी थी दोनों तरफ से, इसे ले लिया है, और अभी हम सबसे पहले इस पे आलू का मसाला जो हमने तैयार करके रखा है इसे चारों तरफ लगा देंगे। सब तरफ से फैला के लगा लीजिए आप, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मसाले से कोट कर दिया है। इसी तरह से हम सारी रोटी तैयार कर लेंगे। तो ये हमने सारी रोटियां आलू का मसाला कोट करके और रख दी हैं। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस ऑन कर देते हैं,
और तवा गरम होने देते हैं अच्छी तरह से। जब तक हमारा तवा गरम होता है तब तक हम इसे तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक रोटी ले ली है जिसपे हमने मसाला लगा के रखा है, इस पे अभी हमें बेसन की कोटिंग करनी है। चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा बेसन आप इस पे फैला लें अच्छे से। पूरी रोटी को आप कवर कर दीजिए उससे। ये देखिए इस तरीके से आपको बेसन से कोट करना है पूरी रोटी को। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है तो अभी हम इस टाइम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इस पे हम लगा देंगे और रोटी को आप इस तरीके से पलट के और इस पे डाल दीजिए। अभी एक तरफ से ये पकेगा, दूसरी तरफ हम बेसन से कोट कर देंगे इसे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा हमारा। थोड़ा ऑयल लगा देंगे चारों तरफ और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। अभी इसे पलट के हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सेक के तैयार हुआ है। अभी इसी तरीके से हम सारे सेक के रख लेंगे रोटी को। हमारा रोटी का नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे दूसरी प्लेट में ले लेते हैं हम और इस तरीके से आप दबा दबा के सेकिए इसे। ये देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है। अभी हम थोड़ा ऑयल तवे पे लगा देते हैं ताकि जो हमारी रोटी है वो उसका बेसन इस पे चिपके ना, और इसे इस तरीके से पलट देंगे उस पे। दूसरी तरफ हम फिर से बेसन लगा लेते हैं। आप चाहे तो एक तरफ ही बेसन लगा रहने दें और दूसरी तरफ से आप ऐसे ही खा सकते हैं इसे। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी इसके बेसन लगा लिया है। थोड़ा ऑयल लगा लीजिए इसके चारों तरफ। ये एक तरफ से सिक चुका है तो अभी हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सिक के तैयार हुआ है। अब दूसरी तरफ भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इस तरीके से हल्का हल्का इसको दबाते हुए सेक लेंगे तो हमारा ये भी रोटी बिल्कुल अच्छे से सिक्के तैयार है। इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा बची हुई रोटी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे चटनी सॉस दही किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिए, रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और यदि रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।